नौजवान साथियों और मेरे बहनों, समय कम है, मैं काफी कुछ बोलने वाला हूं, मगर पुलिस वाला ठहरा हुआ है 10 बजते हटाने के वास्ते। जो भी है मेरी बोलने की बात सुनिए भाई। एक जमाने में वरंगल ऐसा सिटी था, तेलंगाना पूरे स्टेटों में वरंगल अपकमिंग सिटी था। आज देखिए जाके सिद्धिपेट में क्या हालत हो रहा। वरंगल को भूल गए, अंडरग्राउंड ड्रेनेज बना तुम बोला बनाया रे भाई, मकाना बना तुम बोला बनाया गया, खादी पेट कोट फैक्ट्री ला तुम बोला लाया गया। अरे क्या क्या बातें करते रे भैया। एक तो बोलता है ये डलस बना तू, इंस्टानबुल बना तू, क्या बनाता रे भाई तू, अपना घर बना ले रहे लोग। नौजवान साथियों, एक सही बात बता रहा हूं, इतना धोखा देने वाले को मैं नहीं देखा। जब राष्ट्रीय के जमाने में 4% मुसलमानों को रिजर्वेशन मिला, आज हमारे खवातीन डॉक्टर बन रहे, इंजीनियर बन रहे, मगर तू क्या बोला, असेंबली में बिल पास करा 12%, दिल्ली गया भूल गया, या तो करता दिल्ली जाके भूल जा। वैसे ने ट्रेवलों को 10% बोला, इसका दुकान भी बंद कर दिया। आवाम को धोखा देने में केसीआर नंबर 1 है। और रोजाना मैं देख रहा हूं वो क्या नाम है उसका, बीजेपी का प्रेसिडेंट क्या नाम है, बंडी संजय, अरे पुराना शहर हैदराबाद में है रे भाई, पाकिस्तान में नहीं है, वहां सर्जिकल स्ट्राइक करता करते। अरे सर्जिकल स्ट्राइक कहां होता, दूसरे देशों में, पाकिस्तान या चाइना में होता सर्जिकल स्ट्राइक, अपना देश में हैदराबाद में निजाम स्टेट था वहां पर सर्जिकल स्ट्राइक बोलता। अरे सर्जिकल स्ट्राइक में रॉकेट अगर आएगा मुसलमान को देखता नहीं, हिंदू को देखता नहीं, घुस जाता नीचे। ये क्या है भाई, कोई बोला क्या इलेक्शन में ड्रेनेज बनना, रोड बनना, पानी होना, करंट होना, ये नहीं, अच्छे पार्क होना, अच्छा कम्युनिटी हॉल होना, ये नहीं। इन्हें कहे कि सर्जिकल स्ट्राइक बोला, दूसरा दारू सलाम उड़ा दे तू बोला। ये इसके बीच में उसका असद का भाई अकबर बोला मैं खबरों को तोड़ दे तू, एंटी रामारा का खबर तोड़ दे तू, पीवी नर इसके ऊपर इलेक्शन होगा। हम देखते रहे ये क्या इलेक्शन है रे भाई, हिंदू हिंदू को धारा, मुसलमान मुसलमान को धोला, बीच में हम बीच में लटक गए। सेकुलर हम बोल रहे हिंदुस्तान आजादी के पहले इस हिंदुस्तान को सेकुलर देश बनाए, कभी भी हम कॉम्प्रोमाइज नहीं हुए। पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी से लेकर राजीव गांधी से लेकर सोनिया गांधी तक, राहुल गांधी तक, अभी कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं होते। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई इस देश का नौजवान है, इसका देश का उसकी परवरिश है। आज तुम मुसलमानों को भगाने का काम हो सकता है क्या? अरे तुम्हारा ख्वाब कभी नहीं होता मोहन भगत, तुम समझ रहा तू अपना नागपुर में बैठ कर दुकानदारी चलना बंद कर, कब तक चलेगा? आज जो सरकार पंडित जवाहरलाल नेहरू पब्लिक सेक्टर बनाए थे, ECL बनाए, BHEL बनाए, विशाखा स्टील बनाए, अब वो भी प्राइवेट कर रहा, प्राइवेट में कोई रिजर्वेशन रहता नहीं रहता, मुसलमान को नहीं है, BC को नहीं है, SC को नहीं है, ST को नहीं है, ये काम कह रहे भाई, इसके ऊपर तू क्यों नहीं बात करता KCR? हमारा रिजर्वेशन जो बाबा साहब अंबेडकर, जो महात्मा ज्योतिरूपाल पढ़े तो तुम्हारी परवरिश अच्छी होता बोले तो, पढ़ के बैरिस्टर बन के इस हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, कॉन्स्टिट्यूशन भी बदलता कहते भैया। मुसलमान भाइयों सोचिए, एक ऐसा इंसान है अपने फायदे के वास्ते कभी महाराष्ट्र जाता, कभी वहां जाता, हिंदू मुसलमानों का वोट डिवाइड करके BJP को फायदा कर रहा, जरा समझो हमारे बुजुर्ग साहब, आप लोग समझो, ताकि आवाम को इतने कॉलेज करे खोले, इंजीनियरिंग कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज है, किसी गरीब को सीट दिया, बगैर पैसे का सीट नहीं देता भैया, इसके पहाड़ों में नहीं आना, सिर्फ दोनों अंडरग्राउंड अंडरस्टैंडिंग है, तू मेरे को गाली दे मैं तेरे को गाली दे, तू दोनों मिलके दोनों गालियां देते वोट लेते, हम दीवाने, तुम्हारी परवरिश अच्छा होना, तुम्हारे बच्चे पढ़ना, तुम भी मुफलती से अच्छी जिंदगी गुजारना, कांग्रेस सोचती रहे भैया, कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं हुए, हम सेकुलर है, हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई एक ही है,
मैं आपसे यह मेरी गुजारिश है, सब धोखे देने वाले पार्टी है। आप देखो पार्लियामेंट में बीजेपी वाले टीआरएस वाले मदद करे ने, तीन तलाक को मदद करे नहीं, 370 को करे कर जाए उन लोग करे, टीआरएस वाले करे। भैया जरा देखो, तुम मालूम करो, आपसे डुए तो भी सपोर्ट करे सरकार, समझो तुम। ये नया ड्रामा है, आपको समझ में नहीं आ रही। मैं नहीं गया, कहीं कहीं को नहीं गया, तू आने के बाद बोलना लड़ना। ये कब तक लोग धोखाबाजी देता भैया? एक ऐसा इंसान है हमारे रामलू नाइक, वो पार्टी में था, पार्टी में नहीं, उन्हें तेलंगाना वास्ते दिल तोड़ लड़के लड़ा, उसको एक ही अच्छा नहीं दिखा। जो तेलंगाना के खिलाफ काम करे उन लोगों को मंत्री भी यही ने बोला, ये क्या तरीका है साहब, तेलंगाना के बच्चों को मारे थोड़े, उसको तो मंत्री कैसा देता बोले तो, इसको जरा दूर रखे तो ये खुददार है। अरे तू क्या देना है रे, मैं पब्लिक में जातू बोला, निकल के आया शेर, ये शेर है, लड़ने वाला शेर है, बात करने का दम रखता, ट्रेड यूनियन लीडर है, आईएनटीयूसी का लीडर है, ये आईएनटीयूसी में जितने भी फैक्ट्री है उसमें भी काम करता। वरंगल जैसा सिटी को आज कोई तरक्की नहीं हुआ, तो सोचिए आने वाले दिनों में। और कुछ बोलता था मगर पुलिस वालों की तरफ से हमारा राजेंद्र इतना ऐसा मारते जा रहा पीछे से, तो इस वजह से मैं कब करता हूं, मैं कल बराबर यहां रहूंगा। रेवेन्यू जो कॉलोनीस है वैसी एनजीओ कॉलोनी है, सब जगह जाऊंगा, घर बघर फिरूंगा। आप लोगों का भी काम है, हमारे मुरली भाई का, हमारे मैं दोनों का भी काम है, कुंडा सुरेखा का, हर एक आदमी वोटर करने के जाएंगे तो बराबर वोट मिलेगा। ये आवाम को देखने के बाद मैं तो समझ रहा हूं भैया, तो जीतने का चांस है। कहीं भी गए तो सुबह में वहां गया था, काम सर काकतिया यूनिवर्सिटी में बच्चियां बच्चे क्या खुश है, कांग्रेस कांग्रेस बोल रहे, लाहौर करने गए तो कांग्रेस, लाहौर को भी मर्डर कर रहे थे भैया, दिन रात दो पैर में दोनों हस्बैंड एंड वाइफ को मार डाले, जुडिशियरी को भी खत्म कर रहे। अब समझो, मैं ज्यादा नहीं बोलता हूं, फिर कभी मौका मिले तो बहुत कुछ बोलूंगा मैं, मगर क्या है टाइम कम है, मेरा भाई भी मत करना, मगर टाइम कम है। 14 तारीख बोले तो आज क्या चाह रहे, बचा कितने दिन रहे भाई, 12 तारीख को, उसके बाद 9 कैनवेसिंग, कल से जरा निकलो, नमाज पढ़ो, सुबह में घर से निकलो, आधा आधा बोलो, वोट डालते बराबर डालते। जो जुम्मे के दिन कैसा जाते वैसे हमारे रामलू नायक के वास्ते घर घर फिरो, 4 तारीख के दिन इसका फोटो रहता, एक ही वोट डालना, फर्स्ट प्रिफरेंस डालना, दूसरा डाले तो इसका दुकान बंद होता, तो इस वजह से इसका फोटो रहता 4 के नंबर पर, एक नंबर डाल देना, उसके बाद जीतने के बाद लड़ने वाला इंसान है भैया, देखने को ऐसा है। लंबाड़ों में कोई रहता, सोनिया गांधी भी क्या हुशार है भाई, पहले कह की मल्लू बट्टी को दी थी, क्योंकि तो केसीआर बोला ना, हरिजन को चीफ मिनिस्टर बोला, नहीं बनाए तो सीएसपी लीडर बनाए तो भी 19 सीट जीते रहे भाई, 12 लोगों को खींच लिया, क्यों बोले तो हरिजन नहीं रहे ना, तो फिर सोनिया गांधी बोली बेटा तू ये काम करता, मैं रामलू नायक को ट्राइबल को दिया। सोनिया गांधी का सोच देखो, इंदिरा गांधी के बहू के नाते गरीबों के हित में काम करने वाली सोनिया गांधी है। आप जिताइए, आपके वास्ते लड़ेगा, मैं भी आपके साथ हूं, लड़ेंगे लड़ेंगे जिताएंगे, केसीआर का दुकान बंद करेंगे, ये आरएसएस बीजेपी की बात नको सुनो, हवाबाजी करते रातों में, अंडरस्टैंड, दिन में कही की अपन WW सिनेमा था, थोड़ी देर इन्हें मारता, थोड़ी देर उन्हें मारता, थोड़ी देर अपन कही की खुश, अरे क्या मारे क्या, दोनों रात में अंडरस्टैंडिंग है। तो इस वजह से हमारा भाई को जिताइए, 14 तारीख के दिन हर मुसलमान भाई नमाज से होते ही सीधा पहले वोटिंग करने जाइए, वोट डालो, 4 नंबर को डालिए, फर्स्ट प्रिफरेंस वोट डाल के जिताइए। इसी भाषण के साथ मैं खत्म करता हूं, फिर एक मरता हमारे मुरली भाई का, कुंडा सुरेखा का मैं शुक्रगुजार हूं, अच्छी पब्लिक लेट रहने के बावजूद भी यहां से वहां तक जुलूस भी निकला, दड़ की दड़ ये भी चला, तो इस वजह से यहाँ जोश है, ये जोश के साथ वोश का काम करो, जिताइए, ताकि कल से रामलू नायक आपके साथ रहेगा। इसी शब्दों के साथ जय हिंद जय तेलंगाना।
जय तेलंगाना।